गोवा की यात्रा कैसे करें। गोवा का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, उसके सुंदर समुद्र तटे हैं। इसके अलावा गोवा के मशहूर मंदिर, चर्च और भव्य किले भी हैं, जो इसके पर्यटक संबंधी महत्वपूर्ण स्थल हैं। गोवा की खादी, कपड़ा और विविधता से भरी संस्कृति भी इसे विशेष बनाती है। गोवा अपनी विशेषताओं के लिए भी प्रसिद्ध है, जैसे कि गोवा में आयोजित होने वाला गोवा कार्निवाल एक मशहूर महोत्सव है, जिसमें रंग बिरंगे परेड और मास्क दिखाए जाते हैं। इसके अलावा गोवा में सालाना सुंदरता प्रतियोगिता और गोवा फिल्म उत्सव जैसे आयोजन भी होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको गोवा की यात्रा के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल यात्रा गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, गोवा दो हिस्सों में बांटा गया है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। आप अपने अनुसार साउथ या नॉर्थ गोवा की यात्रा का प्लान बना सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको साउथ और नॉर्थ दोनों की यात्रा के बारे में बताने वाले हैं। फ्लाइट के माध्यम से गोवा की यात्रा। गोवा में केवल एक हवाई अड्डा है, जिसे गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या वास्को डी गामा हवाई अड्डा कहा जाता है। यह दक्षिण गोवा में स्थित है और उत्तर और दक्षिण गोवा दोनों के लिए टैक्सी और बस सेवाएँ उपलब्ध हैं। देश के कई बड़े शहरों से इस हवाई अड्डे तक उड़ानें जाती हैं। आप अपने शहर से गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट पकड़कर आसानी से यहां पहुंच सकते हैं, जिसके बाद आपको टैक्सी की सुविधा देखने को मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप गोवा साउथ या गोवा नॉर्थ की यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। ट्रेन के माध्यम से नॉर्थ गोवा की यात्रा। उत्तरी गोवा का निकटतम रेलवे स्टेशन थिबिम है। यह देश के कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। उत्तरी गोवा के मुख्य शहर को कलिंगुट कहा जाता है और यह थिबिम से लगभग 18 से 20 किलोमीटर दूर है। थिबिम के पास एक बस स्टेशन है, जहां से आप कलिंगुट जाने के लिए बस या फिर टैक्सी ले सकते हैं। थिबिम ट्रेन स्टेशन मांडगांव नामक एक अन्य रेलवे स्टेशन से लगभग 54 से 55 किलोमीटर दूर है। ट्रेन के माध्यम से साउथ गोवा की यात्रा। दक्षिण गोवा में वास्को डी गामा और मडगांव नामक दो रेलवे स्टेशन हैं। ये रेलवे स्टेशन देश के बड़े शहरों से जुड़े हुए हैं। लोग इन दोनों रेलवे स्टेशनों तक दिल्ली से सीधी ट्रेन ले जा सकते हैं। हालांकि वास्को डी गामा के बाद कोई और रेलवे स्टेशन नहीं है, इसलिए सभी राज्यों में वास्को डी गामा के लिए सीधी ट्रेनें चलती हैं, लेकिन मडगांव के लिए विभिन्न राज्यों से कई सीधी ट्रेनें हैं। मडगांव और वास्को डी गामा रेलवे स्टेशनों के बीच दूरी लगभग 28 से 30 किलोमीटर है। आप यह दूरी ट्रेन, बस या फिर टैक्सी के माध्यम से तय कर सकती हैं। बस के माध्यम से नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा की यात्रा। गोवा जाने के लिए विशेष बसें हैं, जो देश के कई बड़े शहरों से सीधे जाती हैं, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपके शहर से गोवा की दूरी बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो बस लेने से आप बहुत थक सकते हैं और आप गोवा का उतना आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर दूरी लंबी है तो ट्रेन लेना ही बेहतर होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।